स्वागत है आपका सत्यम न्यूज वेब टीवी में। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। 27 मार्च तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश को लॉकडाउन करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि अगर किसी जिले में कर्फ्यू की जरूरत पड़ी तो संबंधित जिले के जिला अधिकारी खुद फैसला ले सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी पर। आपको बता दें कि 33 करोड़ जनता के स्वास्थ्य को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह सख्त कदम उठाए हैं। जान है तो जहान है कि तर्ज पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने 27 मार्च तक उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों को लॉकडाउन कर दिया गया है। आपको बता दें कि सूबे के 16 जनपदों को लॉकडाउन करने के बाद अब मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला किया है, पूरे प्रदेश को लॉकडाउन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि अगर किसी जिले में कर्फ्यू की जरूरत पड़ी तो संबंधित जिला अधिकारी खुद फैसला ले सकते हैं। सत्यम न्यूज वेब टीवी आप सभी प्रदेशवासियों से अपील करता है कि लॉकडाउन का पूरा पालन करें। सूबे की सरकार ने यह फैसला आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए लिया है। आप अपनी जिम्मेदारी को निभाइए, घरों से बाहर बिल्कुल न निकलें, लॉकडाउन का पालन करें। हम अपने दर्शकों को बता दें कि लॉकडाउन के दौरान इन पर रोक नहीं है, जैसे चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा विभाग, गृह कारागार प्रशासन, कार्मिक विभाग, जिला प्रशासन, बिजली कार्यालय और बिलिंग सेंटर, आपदा एवं राहत राज्य संपत्ति विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी, अग्निशमन कर्मचारी, इसी तरह फल, सब्जी, दूध, डेयरी, किराना और पानी के सप्लाई से जुड़े लोगों पर रोक नहीं है। मीडिया कर्मियों को भी बड़ी राहत है, लॉकडाउन में बड़ी राहत दी गई है, मीडिया कर्मियों पर भी रोक नहीं है। इसी तरह सिविल डिफेंस, आपातकालीन सेवाएं और टेलीफोन, इंटरनेट, डेटा सेंटर सेवाओं से जुड़े लोग, डाक सेवा, बैंक, एटीएम, बीमा कंपनी, ई कॉमर्स की होम डिलीवरी से जुड़े लोग, पेट्रोल पंप, एलपीजी, दवा दुकान, चिकित्सा उपकरण, पशु चिकित्सालय एवं पशु आहार पर रोक नहीं है। इसी तरह आपातकालीन सेवाओं से जुड़े लोगों को छोड़कर सभी नागरिक घर में रहेंगे। टैक्सी, ऑटो रिक्शा सहित सभी सार्वजनिक परिवहन बंद रहेंगे। दवाएं, जरूरी खाद्य वस्तुओं को ले जाने वाले मालवाहक वाहन चलेंगे। एयरपोर्ट व रेलवे स्टेशन से घर जाने के लिए सीमित संख्या में प्रशासन से अधिकृत वाहन उपलब्ध रहेंगे। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी पर।